भिलाई से जनसेवा के कार्यों की शुरुआत करने वाले श्री साईनाथ जनसेवा समिति, जो अब अन्य प्रदेशों में भी अपने कार्यों से पहचान बना चुकी है, इस समिति ने अपना स्थापना दिवस जनसेवा के कार्यों के साथ मनाया। इस मौके पर समिति ने 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य लेकर सेक्टर 5 बालाजी भवन में कार्यक्रम आयोजित कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। श्री साईनाथ जनसेवा समिति ने अपना सफर 5 वर्ष पूर्व जनहित के कार्यों के साथ प्रारंभ किया था और इन 5 वर्षों में अपने कार्यों के माध्यम से वे अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी जाने जाने लगे। इन कार्यों में सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर का आयोजन कर भारी मात्रा में रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक कर रक्तदान करवाया गया। वक्त वे वक्त, दिन हो या रात, जिसे भी जब भी रक्त की जरूरत हुई तो यह अपनी सेवा देने उपस्थित हो जाते हैं। कोरोना काल में भी इस समिति और समिति के सदस्यों ने अपना अविस्मरणीय योगदान प्रदान किया। इस समिति ने अपना 5वां स्थापना दिवस सेक्टर 5 बालाजी भवन में मनाया और इस 5वें स्थापना दिवस पर लगातार 1 सप्ताह तक विभिन्न जनसेवा के कार्य समिति द्वारा किए गए। साथ ही रविवार को बालाजी भवन सेक्टर 5 में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। उपस्थित अतिथियों ने भी उत्साहपूर्वक अपना रक्तदान किया। अतिथियों के कर कमलों द्वारा रक्तदाताओं का स्वागत सम्मान स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। कार्यक्रम के अन्य कड़ी में शतक वीर रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। साथ ही जिले की उन संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने आगे बढ़कर रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाई और रक्तदान करवाया। श्री साईनाथ जनसेवा समिति के अध्यक्ष माधव राव ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 5 वर्षों से जनहित के कार्यों को करते आ रहे हैं, जिसमें रक्तदान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और आने वाले समय में भी सिर्फ और सिर्फ जनसेवा करना ही उनका लक्ष्य रहेगा। वहीं कार्यक्रम के अतिथि समाजसेवी और शिक्षाविद नीलम चन्ना केशवल्लू ने भी श्री साईनाथ जनसेवा समिति की पूरी टीम को सहृदय बधाई देते हुए जमकर सराहना की और कहा कि जनसेवा की ऐसी भावना आज देखने को नहीं मिलती, परंतु लगातार 5 वर्षों से इस समिति के लोग ऐसे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। सर, श्री साईनाथ जनसेवा समिति के 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 सप्ताह मतलब भिलाई दुर्ग के 7 अलग अलग अनाथ आश्रमों में जाकर सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि हमने 19 तारीख को पहला दिन फील परमार्थ वृद्धाश्रम है, वहाँ भोजन की व्यवस्था और कुछ आवश्यक सामग्री प्रदान किए। फिर 20 तारीख सेवा सप्ताह का दूसरा दिन हम लोग चंद्रा मौर्य टॉकीज के पीछे बस्ती है, वहाँ उनको नए कपड़े प्रदान किए। फिर तीसरा दिन मदर टेरेसा आश्रम शांतिनगर में सेवाएं दिए। चौथा स्नेह संपदा मानसिक विकलांग बच्चों का स्कूल है, वहाँ भी कपड़े वितरण किए। फिर 5वां नयनदीप नेत्रिन स्कूल है, उनको भी हम लोग रात का भोजन और खाने की व्यवस्था प्रदान किए। और उसके अलावा 6वां दिन सेक्टर 2 आस्था वृद्धाश्रम है। वैसे हम लोग लगातार 6 दिन 6 प्रकार के अलग अलग सेवाएं किए हैं। 7वां दिन सेक्टर 5 बालाजी भवन में विशाल रक्तदान शिविर, जो 100 यूनिट का हमारा टारगेट है। और उसके अलावा देहदान शिविर और नेत्रदान शिविर करके हम लोग समाज में एक मैसेज देना चाहते थे कि रक्तदान करना चाहिए, और रक्तदान के अलावा नेत्रदान और देहदान भी करना चाहिए। और उसके अलावा हम 6:30 बजे छत्तीसगढ़ के शतक वीरों का सम्मान है सर, जो लोग 100 या 100 से ज़्यादा बार डोनेशन किए उनका सम्मान है। पूरे छत्तीसगढ़ में 10 लोग ऐसे शतकवीर हैं जो 180 170 151 111 ऐसे 10 सदस्य है जो शतकवीर, उनका भव्य सम्मान किया जाएगा। उसके अलावा भिलाई दुर्ग रायपुर के अनाथ आश्रम जो संचालन कर रहे हैं, जो अनाथ आश्रम में रहकर जो उनका देख रेख कर रहे हैं, उनका सम्मान है। उसके अलावा समिति के जो साल भर के डोनर्स हैं, जो रात में एक कॉल पर आकर समिति को अपना डोनेशन करते हैं, लोगों को जीवन दान में अपना सहयोग प्रदान करने का सम्मान है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नवयुवकों से अपील करना चाहूँगा कि सब आप लोग आज सेक्टर 5 बालाजी मंदिर में अधिक से अधिक जनसंख्या मांगकर इस शिविर को सफल बनाएं। सर नमस्कार। श्री साईनाथ जनसेवा समिति द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है सेक्टर 5 आंध्र साहित्य समिति आंध्र भवन में। यहाँ पे सभी युवा एवं जो भी सेवा की भावना से रक्तदान महादान के उद्देश्य से यहाँ पे पहुँचे हैं, सभी लोग रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर रक्तदान कर रहे हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पे आकर, और मैंने भी अपना रक्तदान में सहयोग लिया हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम में, या हमको 6 बजे तक रक्तदान का कार्यक्रम चलेगा, आप भी आकर यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और शाम को
साईनाथ जन सेवा समिति द्वारा शाम को 6 बजे से जितने भी रक्तदान दिए हैं इस बीच में जो सबसे ज़्यादा रक्तदान किए हैं उनका सम्मान समारोह रखा गया है। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं और कार्यक्रम को संपन्न करें। थैंक यू। हमारे समिति के 5वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर पूरे शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। पिछले 7 दिनों से सप्ताह सेवा के रूप में हम लोगों ने शहर के विभिन्न संस्थाओं में जाकर सेवा दिया। आज जैसे कि आपको ज्ञात है कि 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे छत्तीसगढ़ से जो इंडिविजुअल 100 से अधिक बार रक्तदान दिए उन सख्त वीरों का आज सम्मान है। उसी परिप्रेक्ष्य पर शहर के जितने संस्थाएं हैं जैसे आश्रम है, स्नेह संपदा है, ऐसे जितने आश्रम हैं उन सभी के संचालकों का भी आज सम्मान है। तो ये एक हमारे शहर के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का समय है। सब बढ़ चढ़ के आज भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लगभग 101 ब्लड डोनेट का उद्देश्य है, साथ में नेत्रदान, उसके बाद सभी चीज़ों में लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। श्री साईनाथ जनसेवा समिति के अध्यक्ष सहित पूरी टीम अपने 5वें स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए अपने जनसेवा के कार्यों को अनवरत जारी रखने के लिए संकल्पित नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।